हरे कृष्णा। धनतेरस पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में एक विशेष पर्व आता है जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं, और इस पर्व का आरंभ होता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से, यानी धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के साथ। इस वर्ष ये धनतेरस हम 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मना रहे हैं। ये वही दिन है जब जगत के कल्याण हेतु और देवताओं की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष कर हम माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, यम दीपक के समय और कैसे जलाना चाहिए, और इस दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। आप चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, आपके लिए धनतेरस की पूजा विधि का समय क्या रहेगा, इस विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन पूजन विधि कैसी होनी चाहिए। ये विधि सभी के लिए है, चाहे कोई वैष्णव हो, स्मार्त हो, शैव हो या फिर शाक्त्य। जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, वे भी अगर धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहें तो इस विधि से कर सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रोक्त वैष्णव विधि भी है। तो देखिए, धन त्रयोदशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी दोनों की ही विशेष और अलग अलग पूजा की जाती है। संध्या के समय यानी प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और प्रातः काल में भगवान धन्वंतरी की पूजा और उनके लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसे आप घर पे भी कर सकते हैं और जिसमें कुछ विशेष औषधियों द्वारा आहुति दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम संध्या के समय प्रदोष काल में की जाने वाली देवी लक्ष्मी की पूजा विधि जान लेते हैं। धन त्रयोदशी के दिन यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को संध्या के समय प्रदोष काल रहेगा शाम 5:38 से लेकर रात्रि के 8:13 तक, और वृषभ काल रहेगा शाम 6:31 से लेकर 8:27 तक। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा करने का योग्य समय सामान्य रूप से प्रदोष काल के समय ही माना जाता है, इसलिए इस बार भी धनतेरस की पूजा का समय रहेगा 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम 5:38 से लेकर 8:13 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के विभिन्न शहरों और विश्व के अन्य देशों का लक्ष्मी पूजन समय हम इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। अब लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले आप अपने पूजा के स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, घर को भी संपूर्ण रूप से स्वच्छ और सुचारू रूप से सजा लीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर एक मध्यम उच्च आसन स्थापित करिए, उसके ऊपर सफेद, पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। तत्पश्चात उस स्थान पर चावल के कुछ दानों से आप देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्थापित करने के लिए कुछ रंगोली बना सकते हैं या फिर आसन बना सकते हैं। सबसे पहले मध्य में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी के विग्रहों की स्थापना करें। अगर आपके पास उनके विग्रह नहीं है तो आप उनका चित्र भी रख सकते हैं। उसके बाद उनके पास अपने गुरु या फिर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का चित्र रखें। तत्पश्चात आपने अगर धन त्रयोदशी के दिन कुछ सोने या फिर चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदे हैं तो उनको भी एक छोटी थाली के अंदर रखिए। अगर आपने इस दिन सोने या चांदी की कोई खरीदी नहीं की है तो आप अपने पुराने कुछ महत्वपूर्ण आभूषण जैसे कि मंगलसूत्र, लक्ष्मी देवी के चित्र युक्त सोना या चांदी के सिक्के इत्यादि भी रख सकते हैं। इस धनतेरस की पूजा में सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने मंगलसूत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका सौभाग्य अखंड
और सुरक्षित बना रहता है। अगर आपके पास 10, 20, 50 या 100 रुपए के नोट्स हैं, तो उन्हें भी आज के दिन पूजा में रखा जा सकता है, लेकिन वे नए नोट्स होने चाहिए। अब इन सभी वस्तुओं और विग्रहों को अपने अपने स्थान पर रखने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती जलाकर उसे सर्वप्रथम अपने गुरु को या श्रील प्रभुपाद को दिखाएं। उसके बाद उसे भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके लिए आप अगरबत्ती को दाईं ओर घुमाते हुए उनके चरणों में 4 बार घुमाएं। उसके बाद उनकी नाभि में 2 बार और फिर उनके पूरे विग्रह के सामने 7 बार घुमाएं। पूजा करते समय जब हम सबसे पहले कोई भी पूजा की वस्तु दिखाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पूजा में हम अपने गुरुजनों की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा में यदि कोई त्रुटि भी रह जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार धूप देने के बाद अब समय है देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु को स्नान करवाने का। तो उसके लिए एक पात्र में गुनगुना जल लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डालिए। उसके साथ दूसरे पात्र में पंचामृत तैयार कीजिए। पंचामृत बनाने की विधि आप सभी जानते ही होंगे। इसके लिए हमें पंच अमृत यानी कि 5 प्रकार के अमृत के समान पदार्थ लेने होते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच मधु, 1 चम्मच गुड़ या फिर चीनी, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच गाय का घी और 7 से 8 चम्मच हल्का सा गुनगुना दूध लेना है। इन सभी चीजों को आप एक पात्र में मिला लीजिए। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसमें ये पंचामृत बनाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी ये अत्यंत स्वास्थ्य वर्धक माना गया है। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप इसे किसी भी सामान्य पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। अब पंचामृत स्नान के लिए एक बड़ी थाली या फिर पात्र लीजिए जो स्वच्छ हो और जिसका उपयोग पहले कभी भी भोजन के लिए ना किया गया हो। उसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी के विग्रह रखिए। उन्हें सबसे पहले पंचामृत का स्नान करवाइए। उसके बाद उन्हें गुनगुने जल से स्नान करवाकर स्वच्छ कर लीजिए। स्नान करवाते समय आप स्नान मंत्र बोल सकते हैं, और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार उन्हें स्नान करवाने के बाद अब उन्हें स्वच्छ कपड़े से साफ कर लीजिए। अब उसके बाद पुनः उनके आसन पर उन्हें स्थापित करिए। उन्हें सबसे पहले वस्त्र प्रदान करिए, तत्पश्चात चंदन, पुष्प, कुमकुम, अक्षत अर्पित कीजिए। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय कमल का पुष्प या फिर मालती पुष्प उन्हें अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के विग्रह नहीं हैं और सिर्फ चित्र हैं, तो आप उनका स्नान नहीं करवा सकते। ऐसे में आप उनके ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदे छिड़क कर उनके चित्र को स्वच्छ कर लीजिए और फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजा करिए। अब आपने अपने जो भी आभूषण, मंगलसूत्र या फिर सिक्के पूजा में रखे थे, उनकी पूजा भी इसी विधि अनुसार कीजिए। जो नोट्स रखे हैं, उन्हें सिर्फ चंदन, कुमकुम और पुष्प अर्पित करके पूजा करिए। तत्पश्चात अपने गुरुजनों के पास पुष्प और अक्षत अर्पित कीजिए। इस प्रकार सभी की पूजा करने के बाद अब जिस पंचामृत से आपने भगवान को स्नान करवाया था, उस जल को बाजू में रख लीजिए। अब समय है भगवान और देवी लक्ष्मी की आरती करने का। ये आरती आप अपने स्थानिक नियम और गीत गाकर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप श्री सूक्तम प्रार्थना भी गा सकते हैं। आरती करते समय भी आरती को सबसे पहले अपने गुरुजनों को दिखाकर भगवान और माता लक्ष्मी के सामने दाईं ओर घुमाना है। उसमें भी सबसे पहले उनके चरण पर 4 बार घुमाएं, फिर नाभि पर 2 बार, मुख के समक्ष 3 बार और फिर संपूर्ण विग्रह पर 7 बार घुमाएं। अंत में श्रील प्रभुपाद और गुरु के सामने इस आरती को मात्र 7 बार घुमाएं। तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्यों को आरती दीजिए और अब सब साथ बैठकर देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हुए श्री सूक्तम का पाठ करें अथवा उसका श्रवण करें और इसके साथ ही धन त्रयोदशी की कथा का भी श्रवण करें। श्री सूक्तम का ये स्तोत्र और कथा दोनों ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब समय है भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी को भोग अर्पित करने का। तो इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के लिए गाय के दूध से बनी हुई खीर अर्पित करनी चाहिए। अगर खीर नहीं बना सकते तो आप कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि इस दिन पूजा में घर में बनाई हुई मिठाई ही अर्पित करें। अगर बहुत मुश्किल है घर पर बनाना
तभी बाहर से लाए हुए व्यंजन अर्पित कीजिए। इस दिन आप भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग भी बना सकते हैं। जो भी आप अपने घर में भोजन करते हैं उसे बिना लहसुन प्याज के बनाएं, बिना तामसिक पदार्थ का उपयोग किए बनाएं और उस सभी भोग में एक एक तुलसी पत्र रखकर भगवान को और देवी लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करते समय सबसे पहले अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद का स्मरण करें, उन्हें प्रार्थना करें कि वे इस भोग को भगवान को अर्पित करें। तत्पश्चात राधा रानी और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे इस भोग को भगवान के पास ले जाएं। अगर संभव है तो जहां भगवान को आप भोग अर्पित कर रहे हैं वहां पर्दा करना चाहिए। 15 मिनट बाद घंटी बजाकर उस भोग को आप ले सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन प्रसाद लेने से पहले आपने देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण का जिस पंचामृत से स्नान करवाया था उसे पंचामृत को सभी में प्रसाद रूप में बांटिए और जो पंचामृत बच जाए उसे गाय को पिला सकते हैं या फिर किसी भी पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण शास्त्रोक्त वैष्णव विधि अनुसार अपने घर में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इस दिन आपको ये पूजा की सामग्री और आसन ऐसे ही बनाए रखने हैं। रात्रि के समय में जब भगवान को शयन करवाते हैं उस समय आप भगवान के पास रखे हुए अपने आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए और भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी के पास जो पुष्प हैं उन्हें भी हटा लीजिए, लेकिन उन्हें इसी स्थान पर स्थापित रखिए। अगले दिन प्रातः काल जब आप विसर्जन करेंगे तो उस समय आप उनके विग्रह और चित्र को पूजा घर में या फिर उनके स्थान पर रख सकते हैं और जिस अक्षत से उनका आसन बनाया था उनमें से कुछ अक्षत या फिर चावल के दाने आप जहां अपना धन रखते हैं वहां एक पोटली बांधकर रख सकते हैं। इससे वर्ष भर घर में लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है और बाकी पूजा की जो भी सामग्री थी उसे आप निर्माल्य में डाल सकते हैं या फिर उनका जल प्रवाह कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य और देवता हैं। वे हमें स्वस्थ शरीर और आरोग्य प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास जितना भी धन संपत्ति आ जाए आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य रूप से धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा दिन के समय में प्रातः काल में की जाती है, लेकिन क्योंकि इस बार धन त्रयोदशी का आरंभ 29 को संध्या में हो रहा है तो आप ये पूजा आज शाम को भी कर सकते हैं और कल प्रातः में जब तक त्रयोदशी तिथि रहती है उस समय में भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास घर में उनका विग्रह है तो वो, और नहीं है तो उनका चित्र आप ले सकते हैं। उन्हें भी पूजा के स्थान पर एक अलग से मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उस आसन पर एक सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए जो स्वच्छ हो और पहले कभी उपयोग में लिया हुआ ना हो। उस पर भगवान धन्वंतरी के चित्र या विग्रह की स्थापना करने के बाद सबसे पहले उन्हें भी धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। उसके बाद उन्हें चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें और फिर उनकी भी आरती करें। अगर आपके पास उनके विग्रह हैं तो आप आगे बताई हुई विधि अनुसार उनका भी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। अब उनकी पूजा समाप्त करने के बाद आप उन्हें भी कुछ स्वादिष्ट मिठाई या भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आप अपने घर में ही एक छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले मंगलाचरण प्रार्थना गाकर उसके नाम की आहुति दीजिए, गुरुजनों को याद करिए और उसके बाद भगवान धन्वंतरी के अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ करते हुए 108 बार इस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। अगर ये स्तोत्र नहीं है तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान कर सकते हैं और ये मंत्र हैं: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्य पतये त्रैलोक्य निधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। अगर आपको लगता है कि ये मंत्र अधिक लंबा है तो आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आहुति दे सकते हैं: ओम धन धन्वंतरये नमः। इस प्रकार आहुति पूर्ण करने के बाद आप इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ की पूर्णाहुति करें: ओम वासुदेवाय विद्महे सुधा हस्ताय धीमहि
तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। अब प्रश्न आता है कि किस चीज की आहुति देनी चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी दिव्य औषधि, गिलोय, अपामार्ग या अग्निहोत्र की सूखी सामग्री उपयोग में ले सकते हैं। नवग्रह का चूर्ण भी सरलता से आपको मिल जाएगा, उसकी भी आहुति आप इस यज्ञ में प्रदान कर सकते हैं। ये औषधियाँ आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर यज्ञ की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पर मिल जाएगी। मूल उद्देश्य इसके पीछे का ये है कि इस यज्ञ में आयुर्वेदिक ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हो। लेकिन याद रहे, जो भी औषधि आप उपयोग में लेते हैं वे सूखी होनी चाहिए। हरी या गीली औषधियों का प्रयोग इस यज्ञ या धूप में नहीं किया जाता। इस प्रकार यज्ञ करके आप भगवान धन्वंतरि से आयुर्वेद चिकित्सा के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और सुखाकारी प्रदान करें। तो इस प्रकार आप अपने घर में धन त्रयोदशी के दिन संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूर्ण समर्पण भाव से भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि भारत के विभिन्न शहरों में धनतेरस की पूजा का समय कौन सा है। पुणे में ये समय है 7:01 से लेकर 8:33, चेन्नई का समय है 6:44 से लेकर 8:11, जयपुर का समय है 6:40 से लेकर 8:20, हैदराबाद और उसके आसपास का समय है 6:45 से लेकर 8:15, गुड़गांव और उसके आसपास के शहरों का समय है 6:32 से लेकर 8:14, चंडीगढ़ और उसके आसपास के विस्तार का समय है 6:29 से लेकर 8:13, कोलकाता और उसके आसपास के शहरों का समय रहेगा 5:57 से लेकर 7:33, मुंबई और उसके आसपास के लोग शाम 7:04 से लेकर 8:37 के बीच ये पूजा कर सकते हैं। बेंगलुरु और उसके आसपास के स्थानों का समय है 6:55 से लेकर 8:22 तक। अहमदाबाद और उसके आसपास के स्थान के समय अनुसार ये लक्ष्मी पूजा 6:59 से लेकर 8:35 के बीच में की जा सकती है। नोएडा के लिए ये समय है 6:31 से लेकर 8:12 तक। भुवनेश्वर, उड़ीसा और उसके आसपास का समय है 6:11 से लेकर 7:44 तक। तिरुवनंतपुरम और केरला तथा आसपास के विस्तार का समय है 7:04 से लेकर 8:27 तक। गुवाहाटी, आसाम और उसके आसपास का समय है 5:38 से लेकर 7:17 के बीच में। विदेश में रहने वालों के लिए अमेरिका में धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 6:10 से लेकर 8:51। कनाडा में ये समय रहेगा 6:06 से लेकर 8:47। यूके के लिए समय रहेगा 4:38 से लेकर 7:29 तक। और ऑस्ट्रेलिया में धन त्रयोदशी की पूजा करने का समय रहेगा 7:21 से लेकर 9:28 के बीच में। जर्मनी में धन त्रयोदशी की पूजा का समय है 5:14 से 6:50 तक। और दुबई में ये समय रहेगा 6:36 से लेकर 8:14 तक। और न्यूजीलैंड का समय है 30 अक्टूबर को 7:52 से लेकर 8:45। तो इस प्रकार आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास के स्थानों के अनुसार आप अपना पूजा मुहूर्त का समय निर्धारित कर सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन यम दीपक जलाया जाता है और ये यम दीपक संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। ये यमराज के लिए जलाया जाने वाला विशेष दीपक है। इस दीपक को कहाँ और कैसे जलाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, उसकी संपूर्ण विधि आधारित एक वीडियो हमने पहले ही आप सबसे शेयर कर दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी उसे सुन सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन खरीदारी का समय 10:33 से लेकर 8:51 तक रहेगा। तो हमें आशा है कि आज की ये धन त्रयोदशी व्रत विधि वीडियो से आपके पूजा विधि से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और हमारे द्वारा बताई गई इस सरल विधि द्वारा आप आज लक्ष्मी पूजन कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी प्रमाणभूत और सरल लगी है, जिसे कोई भी कर सकता है, तो ज्यादा सोचिए मत, इसे अपने परिवार और मित्रों को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि वे भी सरलता से शास्त्रोक्त विधि अनुसार
इस दिन धनतेरस की पूजा कर सके और आने वाले समय में दिवाली से जुड़ी ऐसी ही प्रमाणभूत जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर एक बार आप सभी को धन त्रयोदशी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान धन्वंतरि आपको आपके परिवार को स्वस्थ शरीर और आरोग्य प्रदान करें, जिसके माध्यम से आप परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।